and you are watching Bhavika Mantra. In this video, we will study a new poem which is Chiri by Michael Rosen. So without wasting any time, let's start the session. Chiri by Michael Rosen. Before we get into the realm of the poem, firstly, let's just understand the meaning of the word Chiri. Chiri means to nag or to repeatedly tell someone to do certain thing. तो चिड़ी का मतलब है कि जब हम बार बार किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर करते हैं कुछ कार्य करने के लिए. सो बिफोर रीडिंग द पोएम लेट जस्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. बैकग्राउंड ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द पोएट माइकल एंड हिज मदर. द पोएट रोट दिस पोएम ऑन द बेसिस ऑफ हिज वन फनी चाइल्डहुड इंस्टेंस. ये जो पोम है ये पोएट के एक बचपन की घटना के ऊपर आधारित है. सो वन डे व्हेन माइकल मदर टुक हिम टू स्कूल फॉर एडमिशन द टीचर इन द स्कूल आस्क्ड माइकल दैट व्हाट इज हिज नेम एंड सरप्राइजिंगली माइकल टोल्ड हर दैट हिज नेम इज माइकल टोन. जब माइकल की मम्मी उनको एडमिशन के लिए लेकर जाती हैं, हमारे पोएट की मम्मी उनको स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती हैं, तब वहां पर एक टीचर उनसे माइकल का नाम पूछती हैं, तब हमारे पोएट बोलते हैं कि उनका नाम माइकल डोंट है. पोएट अपने नाम के आगे माइकल के आगे डोंट क्यों लगाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ना होगा. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज दैट ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक. पोएट कहते हैं कि एल्डर्स कुछ ऐसी बातें करते हैं. कैसी बातें करते हैं एल्डर्स देखते हैं. स्पीक अप डोंट टॉक विद योर माउथ फुल डोंट स्टेयर डोंट पॉइंट डोंट पिक योर नोज. पोएट कहते हैं कि उनको एल्डर्स समझाते हैं उनको स्पेशली उनकी मदर समझाती हैं कि हमेशा जब भी उनको कोई कुछ बात बोले तो उसका आंसर देना चाहिए उनको अच्छे से उनकी बात का रिप्लाई देना चाहिए. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल और कभी भी खाना खाते वक्त किसी को भी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए. डोंट स्टेयर किसी को भी घूरना नहीं चाहिए. डोंट पॉइंट किसी को भी पॉइंट करते हुए बात नहीं करनी चाहिए. डोंट पिक योर नोज और जब भी कोई बड़े बात कर रहे हो तब बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए. तो पोएट ये सारी बातें बताते हैं कि उनको ये सारी बातें उनकी मदर समझाती हैं उनके एल्डर्स उन्हें समझाते हैं. सो बेसिकली दिस होल पोएम इज अ कैटलॉग ऑफ वेरियस डूज एंड डोंट्स व्हिच एल्डर्स डिक्टेट टू देयर चिल्ड्रन. हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरी पोम है ये डूज और डोंट्स की फॉर्म में पोएट ने लिखी है कि क्या बच्चों को करना चाहिए और क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए ये इस पोएम के थ्रू हमें पोएट समझाना चाह रही हैं. अब आगे और क्या क्या कहते हैं पोएट देखते हैं. सिट अप से प्लीज लेस नॉइज शट द डोर बिहाइंड यू डोंट ड्रैग योर फीट हैवंट यू गॉट द हैंकी टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. पोएट बोलते हैं कि उनके जितने भी एल्डर्स हैं वो उन्हें ये भी बोलते हैं कि हमेशा ढंग से बैठना चाहिए. पोएट बोलते हैं कि उनके एल्डर्स उन्हें ये भी समझाते हैं कि किसी से भी कोई भी चीज लेने से पहले उनको रिक्वेस्ट करें उनको प्लीज बोलें कोई भी सामान लेने से पहले. लेस नॉइज और उनको ये भी समझाया जाता है कि हमेशा शांति से रहना चाहिए ज्यादा नॉइज नहीं करनी चाहिए. शट द डोर बिहाइंड यू. पोएट बोलते हैं कि उनके एल्डर्स उन्हें ये भी समझाते हैं कि वो जब भी किसी रूम में एंटर हो जाएं उसके बाद उस रूम का डोर भी आराम से बंद कर दें. डोंट ड्रैग योर फीट. पोएट बोलते हैं कि उन्हें चलने का ढंग भी उनके एल्डर्स सिखाते हैं. उन्हें वो ये भी बोलते हैं कि कभी भी फीट को ड्रैग करके वो ना चलें. पोएट ये भी बोलते हैं कि उनके एल्डर्स उन्हें ये भी समझाते हैं कि वो जब भी चलें वो अपने हैंड्स को पॉकेट से बाहर निकाल कर चलें उनको पॉकेट्स में ना रख के चलें. तो ये सारी कॉमन बातें हैं जो हमारे एल्डर्स भी हमें समझाते हैं वही माइकल हमारे पोएट के एल्डर भी उन्हें समझा रहे हैं. और आगे क्या क्या बोलते हैं पोएट देखते हैं. पुल योर सॉक्स अप. पोएट बोलते हैं कि उनके एल्डर्स उन्हें ये भी समझाते हैं कि वो जब भी सॉक्स पहने तो उसे अच्छे ढंग से पहने सही तरीके से पहने. स्टैंड अप स्ट्रेट और जब भी वो खड़े हो तो एकदम स्ट्रेट खड़े हो झुक कर ना खड़े हो. से थैंक यू और वो बोलते हैं कि उनके एल्डर्स उन्हें ये भी एटिकेट सिखाते हैं कि जब भी उन्हें कोई गिफ्ट दे तो वो हमेशा उसके बाद उन्हें थैंक यू बोले. डोंट इंटरप्ट. पोएट बोलते हैं कि उनके एल्डर्स उन्हें समझाते हैं कि जब भी दो लोग बात कर रहे हो तो उनके बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए.
No one thinks you are funny. Take your elbows off the table. पोएट बोलते हैं कि उन्हें ये भी समझाया जाता है कि जब भी वो टेबल पे बैठे तो अपनी एल्बोज को नीचे करके बैठे. Can't you make your own things? Mind up about anything. पोएट बोलते हैं कि उनके एल्डर्स उन्हें ये भी बोलते हैं कि इतने बड़े होने के बाद भी वो अब अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं ले पा रहे हैं. So, ये बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शन थी जो पोएट के एल्डर्स उन्हें समझा रहे हैं. I am pretty much sure that your parents too must give you such instructions. So this poem is very easy for all of us to relate. ये जो poem है इसमें जो भी instruction poet को दी जा रही है same हमें भी हमारे parents देते हैं. तो ये जो poem है इससे हम बहुत easily अपने आप को relate कर सकते हैं. One important thing which I have analyzed in this poem is that no doubt these instructions which are elders chivi sometimes irritate us. But in real terms, they do help us in gaining good manners and etiquette. ये जो constantly हमारे parents हमें instructions देते हैं, इससे हम कभी-कभी irritated भी feel करते हैं. लेकिन असल में ये सारे instructions हमें help करते हैं एक अच्छी personality बनाने में और एक अच्छे manners को सीखने में. So if you like my video, do not forget to press on thumbs up button. Also, do share it too and subscribe the channel if you haven't. Thank you so much.